देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती मनाई जा रही है। आज भी उनके आदर्श और विचार लोगों का जीवन सफल बना रहे हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया।